मॉर्निंग। आज हमारा सेकेंड डे है वृंदावन में और अभी हम लोग वृंदावन के चक्कर लगा रहे हैं बाय वॉक। और इसी बीच अगर कुछ रहेगा ब्रेकफास्ट का या फिर कोई मंदिर वगैरह आता है तो उधर भी दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ी देर में मथुरा के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ पर भी कुछ टेम्पल वगैरह विजिट करेंगे। तो लेट्स सी आज का दिन। झूले में बैठे हैं और झूला झूल रहे हैं नदी के किनारे। ये नदी मस्त है, नदी के किनारे झूले पे झूल के झूलते झूलते नदी को देखना, वाह, ऐसे ही बैठे रहो। तो वृंदावन से अब हम आ गए हैं मथुरा और अभी हम जा रहे हैं कंस किला के लिए। और यहाँ पास में ही वॉकिंग पे ही पास में रिवर है, यमुना रिवर। तो उसके बाद हम हो सकता है कि उधर ही जाएंगे, यमुना रिवर पे काफ़ी देर तक थोड़ा टाइम पास करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं कंस किले के लिए, लेकिन ये कितना सुनसान है, ऐसा लग रहा है बस वो एक लड़का और यहाँ बस हम दोनों और कोई नहीं है, वीरान आ। कंस किले से निकल रहे हैं। कंस किला तो बहुत ही छोटा सा था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना छोटा। अब यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम भी लगभग 12 बजने वाला है, तो मंदिर भी सारे या तो बंद हो गए होंगे या होने वाले होंगे। तो देखते हैं कि अब कहाँ जाते हैं। रिवर में बोटिंग के बाद अब हम लोग आए हैं कृष्ण जन्मभूमि। वहाँ से थोड़ी दूर था, लगभग 2-3 किलोमीटर। तो रिक्शा में बैठ के इजीली हम लोग वहाँ से रिक्शा मिल गया था लगभग 20 रुपए में। तो अब देखते हैं कृष्ण जन्मभूमि, होपफुली कि बंद ना हो, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे मंदिर वगैरह ज़्यादातर बंद रहता है। तो एक्चुअली कृष्ण जन्मभूमि से हम जस्ट अभी होकर आए हैं। वहाँ पे फ़ोन वगैरह और बैग, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस वगैरह अलाउ नहीं था, तो ये सब हमने लॉकर में रखा और फिर हम अंदर गए थे। और अंदर से अच्छा है, सब अच्छे से बना हुआ है। और यहाँ पे जो जेल थी जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वो सब भी देखा वहाँ पे। तो अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। और अब हम लोग निकल रहे हैं बस स्टैंड के लिए, फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न दिल्ली। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हाँ, सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू गो।